सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं गाइस। और ये है, देख सकते हैं, खजूरी पुस्ता। और यहां से आज हम चलने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं देहरादून एक्सप्रेस वे जो बनाया जा रहा है उसका कंस्ट्रक्शन दिखाने वाले, कितना कुछ काम हो चुका है खजूरी खाद से लेकर। और आपको दिखाएंगे जो पुराना दिल्ली का ब्रिज है यमुना रिवर का, वहाँ तक का। तो देखने के लिए बने रहिए केपी संत के साथ में, और आपको एंटरटेन करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस देहरादून एक्सप्रेसवे पर कितना कुछ वर्क हो चुका है कंप्लीट, क्या क्या किया जा रहा है, वो सब देखने के लिए बने रहो केपी संत के साथ में गाइस। तो चलिए आपको दिखाते हैं, सेफ्टी बोर्ड लगे हुए और ये पाइलिंग मशीन लगी हुई है, क्योंकि पाइलिंग कर रही है तो कहीं कहीं पाइलिंग हो चुकी है गाइस। इस पे देख सकते हैं ये पाइलिंग चल रही है, यहाँ पर सेफ्टी बोर्ड नहीं लगे हैं, इतना ये एरिया अभी खाली बचा हुआ है। और ये हम जा रहे हैं शास्त्री पार्क के लिए, और शास्त्री पार्क से फिर आगे की तरफ जाएंगे हम दिल्ली का जो पुराना ब्रिज है यमुना रिवर का, वहाँ तक आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो बने रहो केपी संत के साथ में गाइस। तो देख सकते हैं ये देखिए सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं, पाइलिंग मशीन अभी पाइलिंग कर रही है, इस पर कहीं कहीं पाइल कर दिए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग तस्वीर। और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तेजी के साथ में इस पर वर्क किया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर गाइस, बनाया जा रहा है बहुत तेजी के साथ में, आपको बता दूं। और आगे आप लोगों को कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा कि कितना कुछ इस पर वर्क हो चुका है गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा वर्क चल रहा है अभी, फाउंडेशन बना, ये क्या नाम है, पाइलिंग मशीन लगी हुई है, पाइलिंग कर रही है, कहीं कहीं इस पर प्लर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, देख सकते हैं ये प्लर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, देख सकते हैं ये नीचे का फाउंडेशन बना के और इसको पिलर को, पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। इसमें रिंग लगाए जाने के बाद में इस पर आपको बता दूं ये खड़ा कर दिया जाएगा, कंक्रीटिंग की जाएगी, फिर इसके बाद में दोस्तों इस पर पिलर कैपिंग का काम किया जाएगा। तो देख सकते हैं ये देख सकते फाउंडेशन बनाने के लिए सरिये, देख सकते हैं कितने सरिये यहाँ पर रखे हुए हैं, कितने मोटे मोटे सरिये रखे हुए हैं। अभी इस पर इसका फाउंडेशन बनाया जाएगा, और फाउंडेशन बन जाने के बाद में इस पर कंक्रीटिंग की जाएगी, इस पिलर को भर दिया जाएगा कंक्रीट की मदद से, और फिर उसके बाद में इस पर पिलर कैप का काम किया जाएगा। देख सकते हैं ये काफ़ी सारे पिलर खड़े हो चुके हैं, आपको बता दूं गाइस, आप लोगों को आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से ये तोड़े जाते हैं नीचे से जो पाइल करके, फिर इसका फाउंडेशन किस किस तरीके से फाउंडेशन बनाया जाता है वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ गाइस। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पर पाइल किया जाता है, और ये आपको बता दूं जमीन के अंदर ये चार पिलर नीचे पाइल किए गए हैं, देख सकते हैं। अभी इसको मशीनों द्वारा तोड़ा जाएगा, इसके सरिये निकाले जाएंगे, इसकी मिट्टी निकाली जाएगी, लेबलिंग की जाएगी, फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा। फाउंडेशन बनाने के बाद में गाइस से इस पर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा सरियों द्वारा, फिर उस पर रिंग लगाए जाएंगे, और रिंग लगाए जाने के बाद में इस पर कंक्रीट की मदद से ये पिलर भरा जाएगा, और भर जाने के बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद में पिलर कैप का काम किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आगे दिखाते हैं ये वाला, देख सकते हैं आगे आप लोगों को दिखाएंगे, अच्छे से इंटरटेन करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने ये पाइल करते हुए दिखाए हैं। तो कहीं कहीं इस पर देख सकते हैं ये चल रहा है, पाइल कर रही है मशीन दोनों साइडों में आगे भी। और आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा काम जो चल रहा है वो चल रहा है आपका शास्त्री पार्क से लेकर खजूरी खास तक, बहुत सारा काम चल रहा है। जैसे ही हम उसके पास में पहुंचेंगे शास्त्री पार्क के, जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को ज़्यादा काम देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं ये सरिये रखे हुए हैं, देखिए ये पाइल करके ये तोड़ दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये फाउंडेशन बनाने का काम चल रहा है। और देख सकते हैं किस तरीके से ये देखिए इनके सरिये निकाल दिए गए हैं, देखो ये देखो इस तरीके से ये बिछाए जा रहे हैं। इस पर आपको बता दूं फाउंडेशन बनाने का काम किया जा रहा है इस पिलर पे, और फाउंडेशन बना के फिर इस पर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। जैसे ये सरिये रखे हुए हैं ना, ये स्ट्रक्चर है, ये पिलर का ही स्ट्रक्चर है, ये सरियों द्वारा जाल खड़ा कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद में इन पर रिंग लगाया जाएगा, रिंग लगाए जाने के बाद में इस पर कंक्रीट की जाएगी। तो देख सकते हैं इधर के तो तोड़ दिए, देखो ये रखे हैं मोटे मोटे ये राइट साइड में,
ये तोड़े जाते हैं देखो। तो इसमें भी ये अभी इन्होंने तीन तोड़ दिए हैं और एक वो तोड़ने के लिए बचा हुआ, तो इसकी साफ़ सफाई होगी, फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा। फाउंडेशन बन जाने के बाद में इस पर ऊपर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाएगा, देख सकते हो दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं लाता रहता हूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो देख सकते हैं ये पाइलिंग मशीन खड़ी हुई है, पाइल कर रही है और आगे के जो पिलर देखेंगे देख सकते हैं ये पिलर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, इनमें फाउंडेशन मतलब बन के कम्प्लीट हो गया। ये फाउंडेशन का देखो जाल क्लियर कर दिया इन्होंने, बना दिया, अब इस पर कंक्रीटिंग की जाएगी, ये जाल बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। देख सकते हैं ये इसके रिंग लगाए जा रहे हैं फाउंडेशन के, और रिंग लगाए जाने के बाद में फिर इस पर कंक्रीट की जाएगी, यहाँ तक ये जहाँ तक पिलर दिखाई दे रहा है ये इस पर कंक्रीट कर दी जाएगी, फिर इसके बाद में जो पिलर का स्ट्रक्चर है इस पर रिंग लगाए जाएंगे, इस पर अलग से कंक्रीट की जाएगा। गाइस तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से ये फाउंडेशन बनाया जाता है पिलर का। और ये नज़ारा है आपको बता दूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बहुत तेज़ी के साथ में अभी इस पर वर्क चल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस पर दोस्तों। देखो मैं जहाँ तक कोशिश होती है मैं अच्छा से अच्छा आप लोगों को दिखाने की और बताने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हो कि किस तरीके से ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है, अपनी आँखों से आप लोग देख सकते हो। देखो ये फाउंडेशन, ये पिलर का फाउंडेशन बिल्कुल ऊपर खड़ा कर दिया गया, अब इसमें रिंग लगाए जाएंगे, रिंग लगाए जाने के बाद में इस पर कंक्रीट भर दिया जाएगा, कंक्रीट भर जाने के बाद में फिर इस पर पिलर कैप का काम किया जाएगा। तो देख सकते हैं इस पर ये रिंग लगाए जा रहे हैं, ये देखो रिंग लगाए जा रहे हैं इन पर, ये बिल्कुल फाउंडेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है इन पिलरों का, बस इनमें कंक्रीट भरना बाकी बचा है। और कंक्रीट भर जाने के बाद में ये पिलर कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं तीन चार पिलर वो कंप्लीट हो गए थे पीछे, अब इधर कोई पिलर कंप्लीट नहीं हुआ है, इनमें पाइलिंग कर दी गई है और पाइलिंग हो जाने के बाद में इस पर फाउंडेशन बना दिया जाएगा। फाउंडेशन बना जाने के बाद में इसमें पिलर के ऊपर रिंग लगाए जाएंगे और रिंग लगाए जाने के बाद में इसमें कंक्रीट की मदद से यह पिलर भर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद में आपको बता दूं इस पर पिलर कैप का काम किया जाएगा। तस्वीरें आप लोग अपनी आंखों तो देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत को कमेंट करके बताओ गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और मुझे बताओ। देख सकते हो ये सारे में ही इन्होंने कंप्लीट कर लिए, ये फाउंडेशन बना दिया गया। जितने भी आप लोगों को इस पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर जो पिलर आपको दिखाई देंगे, और आपको बताओ खजूरी खास से लेकर और शास्त्री पार्क के बीच में ये सारा नज़ारा आप लोगों को देखने का मिल रहा है केपी संत के चैनल पर गाइस। और मैं एक एक की चीज़ आप लोगों को अच्छे से इंटरटेन करता हूँ, अच्छे से बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से ये फाउंडेशन बनाया जाता है, किस तरीके से मशीन चलती है। और आप लोगों ने और अच्छे से जानने के लिए आप लोगों को RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है वो आप लोग देखो मेरे चैनल पर जाके, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा गाइस। तो आपको बता दूं कि जैसे आपको जो एलिवेटेड आपको बता दूं एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है या मेट्रो बनाई जा रही है, वो किस तरीके से पाइल करती है, किस तरीके से जोड़े जाते हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं। ये पिलर बिल्कुल कंक्रीट की मदद से ये बिल्कुल भर के कंप्लीट कर दिए गए, अब इन पर बस पिलर कैप का काम होना है। और पिलर कैप का काम कंप्लीट होते ही इन्हें एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ना स्टार्ट कर दिया जाएगा लॉन्चर द्वारा गाइस। देख सकते हैं ये पिलर अभी भरा जाना है, ये पिलर अभी नहीं भरा गया है और ये भर जाएगा, फिर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद में अभी आप लोग आगे जैसे जैसे बढ़ते चलोगे मेरे साथ में, जैसे जैसे देखोगे वैसे वैसे आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा। देख सकते हैं क्योंकि इस पर अभी रिंग लगाए जा रहे हैं इस पिलर पर, रिंग लग जाने के बाद में इसे कंक्रीट की मदद से भरिया जाएगा, जैसे कि ये पिलर भर दिया गया है। देख सकते हैं इस पर बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है, इस पर बस पिलर कैप का काम होना है, ऊपर बाकी रह गया।
तस्वीरें अपनी आंखों से देख सकते हो। देखो अभी ज्यादातर बर्क ही चल रहा है, तो यहाँ पर आप देखो ये पिलर कंप्लीट कर दिए हैं, तो ये सेफ्टी बोर्ड हटा दिए गए हैं ताकि रास्ता यहाँ का चौड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन रहता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाम रहता है, तो इसी वजह से इन्होंने सेफ्टी बोर्ड हटा दिया। क्योंकि पिलर तो कम्प्लीट ही हो गया, इन पर कंक्रीटिंग की गई है, अब इन पर पिलर कैप का काम करना है, और पिलर कैप का काम हो जाने के बाद में ये पिलर बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा, ऐसे समझो। फिर उसके बाद में इस पर लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाएगा, तो बीच बीच में पिलर बचे हुए हैं भरने के लिए कंक्रीट। देखिए ये इस पर रिंग लगाए जा रहे हैं, इस तरीके से ये रिंग लगाए जाते हैं, देख सकते हैं ये वर्कर काम कर रहे हैं, ये इस तरीके से इसमें रिंग लगाए जाते हैं। रिंग लग जाने के बाद में इसे कंक्रीट कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद में इस पर पिलर कैप का काम किया जाना है। दोस्तों देख सकते हैं ये सारे ही सेफ्टी बोर्ड हटा दिए गए हैं, क्योंकि पिलर कंप्लीट हो गए हैं, इसमें कंक्रीट भर जाने के बाद में पिलर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब इस पे बस यही होना है, पिलर कैपिंग का काम ही होना है इन पिलरों पे। तो आगे दिखाएंगे जो पिलर का जो पिलर कैप बनाया जाएगा उसका, देख सकते हैं इसका ये फाउंडेशन आ चुका है, देख सकते हैं ये दोनों साइड में स्टैंड किए जाएंगे, ये वाले लगाए जाएंगे साइड में रखे जाएंगे, और ये नीचे जमीन पे ना सपोर्ट। गाइस देखा आप सभी ने, देखिए ये आपको बता दूं, ये पिलर का जो पिलर कैप बनाया जाएगा दोनों साइड में निकाले जाएंगे, उसका ये स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं ये अभी बिल्कुल नए आए हैं, और अभी इन पे स्टार्ट हो जाएगा बनना पिलर कैप। बाकी तो ये सारे पिलर कंप्लीट कर दिए गए हैं, और जैसे ही हम आगे को बढ़ते जाएंगे तो स्टार्ट हो जाता है, ये देख सकते हैं तस्वीरें। और ये आगे हम जा रहे हैं शास्त्री पार्क के लिए, निकलते हुए रेडवत्ती होगी, रेडवत्ती क्रॉस करेंगे तो शास्त्री पार्क का पार्क आएगा, उसके बाद में फिर ये पुराना ब्रिज जो लोहे का बना हुआ है, ये देखिए पाइलिंग मशीन लगी हुई है, पाइल कर रही है, क्योंकि अभी बीच के ही पिलर कुछ कंप्लीट हुए हैं। जैसे जैसे हम शास्त्री पार्क के लिए बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे देख सकते हैं ये पाइलिंग मशीन लगी हुई है, ये पाइल कर रही है, ये देख सकते हैं ये पाइलिंग का ही काम चल रहा है। अभी कहीं कहीं पिलर आधे कंप्लीट हो गए, बन गए हैं, और आधे पे इन पर पाइलिंग चल रहा है, देख सकते हैं। ये अभी क्या है, ये सेफ्टी बोर्ड लगाए जा रहे हैं, और सेफ्टी बोर्ड लग जाने के बाद में इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये आगे आप लोगों को ये बोर्ड चमक रहे हैं दोस्तों, ये जो बोर्ड चमक रहे हैं यही शास्त्री पार्क स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को और अच्छे से देखने के लिए मिलेगा, ये जो ब्रिज आ गया देख सकते हैं, ये ब्रिज जो आ चुका है, ये जो लेफ्ट में और राइट में जा रहा है ये ब्रिज, ये शास्त्री पार्क से पहले पहले का। तो आपको बता दूं कि जो हम आ रहे हैं खजूरी खास की तरफ से, और जैसे ही हम इस ब्रिज को क्रॉस कर गए, अब ये यहाँ से शास्त्री पार्क स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ये शास्त्री पार्क यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तस्वीरें देख सकते हैं। अब शास्त्री पार्क में यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर पतले पतले रास्ते हैं, तो अभी इसको भी बहुत कुछ ना कुछ तो करेगी यहाँ पर NHIA, देख सकते हैं। और यहाँ पर ये बनाया गया है कास्टिंग यार्ड, जहाँ पर ये कंक्रीट यहाँ से लाई जा रही है, मिक्सचर और पिलर भरे जा रहे हैं, वो ये सामान है यहाँ का, ये शास्त्री पार्क का जो ग्राउंड है वो है, देख सकते हैं ये मिक्सचर प्लांट है यहाँ का, ये जो पिलर बनाए जा रहे हैं वो मिक्सचर प्लांट है इसमें शास्त्री पार्क के अंदर गए। तो अभी यहाँ पर कोई वर्क नहीं चल रहा है शास्त्री पार्क में कोई भी, अभी जो भी वर्क चल रहा है वो शास्त्री पार्क से पहले पहले का पड़ रहा है, यानी कि खजूरी खास की तरफ, और हम आए हैं उधर से ही। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और जब आप लोग कमेंट करते हो तभी हमें पता चलता है कि आप लोग क्या देखना चाहते हो। तो ऐसे ही वीडियोस देखो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखते रहो केपी संत के चैनल पर। गाइस देख सकते हैं अब ये हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो लोहे का पुल है पुराना दिल्ली
यमुना ब्रिज पर बनाया गया था पुरानी दिल्ली जाने के लिए, और उसके बगल में ही नया ब्रिज बनाया जा रहा है, उसका भी आप लोगों को अपडेट जल्दी मिलेगा केपी संत के चैनल पर। और यहाँ से हम निकलते हुए यहाँ से राइट हो जाएंगे, ये देख सकते हैं ये सारा शास्त्री पार्क है, ये देखिए, ये अगर हम लेफ्ट में जाते तो गाजियाबाद सादरा गाजियाबाद के लिए चले जाएंगे, और अगर हम राइट में जाते हैं तो गांधीनगर के लिए जाएंगे, गांधीनगर पुरानी दिल्ली, और ये क्या नाम है लोनी गीता कॉलोनी, इधर निकल जाएंगे हम, देख सकते हैं ये रेलवे लाइन है, ये मेट्रो की लाइन जा रही है और इसके बगल में ही है रेलवे लाइन, और उस पर बना हुआ है पुराना ब्रिज दिल्ली का लोहे का पुल, जो कि वो 155 साल पुराना ब्रिज है, और उसके बगल में ही अब नया ब्रिज बनाने की तैयारी चल रही है, जो कि सन 2003 से पेंडिंग में पड़ा हुआ है गाइस, और अब तेजी के साथ में उसमें कंस्ट्रक्शन द्वारा स्टार्ट हो गया है, तो उसकी भी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी केपी संत के चैनल पर गाइस। पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो हमारे वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों में, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, देख सकते हैं, क्योंकि ये आप देखो ये जो ब्रिज आ चुका है ये तो नया वाला बनाया जा रहा है, ये नया ब्रिज तो देख सकते हैं दोस्तों, ये नया है वो वाला पुराना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो।